ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रीट में धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर मंगलवार को जयपुर के गांधी सर्किल पर भाजपा के विधायकों ने धरना दिया। विधानसभा में हुई विधायक दल की बैठक के बाद सभी विधायक इस धरने में पहुंचे। सबसे खास बात यह रही कि इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद मौजूद रही, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मैडम राजे ने कोई भी बयान नहीं दिया। विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि रीट परीक्षा में धांधली को लेकर कल से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा जाएगा। वहीं धरने के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार गिराने में 4 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, लेकिन हम यह सरकार गिराकर छोड़ेंगे, तब जाकर दम लेंगे। जयपुर के गांधी सर्किल पर हुए धरने को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि रीट परीक्षा की जांच सीबीआई को देने की मांग पर सरकार ये नहीं कह सकती है कि उसे सीबीआई पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने में 3 मामलों की जाँच सीबीआई को सौंपी गयी है, लेकिन सरकार को डर लगता है कि सीबीआई से जांच हो जाएगी तो जेल के दरवाजे खुले मिलेंगे। पुनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक के छींटे जब सीएम पर पड़ने लगे, कानून व्यवस्था पर जब प्रश्न खड़ा हुआ, तो सरकार ने रीट परीक्षा रद्द की है। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक सड़क और सदन में बीजेपी अंतिम दम तक लड़ेगी। हम झुकने वाले नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता लाखों बेरोजगारों को न्याय दिलाकर रहेंगे। राजस्थान पुलिस और सरकार से किसी तरह के न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे को मेरा एसओजी का अशोक राठौर पकड़ करके स्कैंडल हुआ है और इसे ये सरकार पूरी की पूरी जाएगी, मैं आपको गारंटी दे कर रहा हूँ। ये केवल कोई एक और दो और 12 साल और यही नहीं निकलेंगे, ये तो सारी की सारी समाज निकलेगी। और क्यों निकलेगी? अगर बाकी सब जगह आपके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और ये निर्णय पूर्व की सरकार का था कि जब भी पेपर की सुरक्षा के लिए या तो बैंक के में रखो या पुलिस थाने पे रखो जिससे चोरी नहीं हो, लेकिन तुमने बाकी सब जगह तो चोरी नहीं हो इसकी व्यवस्था की और यहाँ से चोरी करके पेपर का धंधा किया तुमने। अगर धंधा नहीं किया तो ये तुम्हारी राजीव गांधी स्टडी सर्किल सारे विद्वान साथियों ना शिक्षा को समर्पित कांग्रेस के नमूने, इन नमूनों को तुमने दिया। एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर कभी पेपर आउट कराने की नहीं सोच सकता है यार, उसको कहते हैं अध्यापक। और ये तुम्हारे अध्यापकों की टोली और उसके हेड, तुम राजस्थान के मुख्यमंत्री राजीव गांधी जेडी सर्किल क्या है इसके तुम चेयरमैन हो और ये सारी नियुक्ति कौन करता है? मैं मुख्यमंत्री तुमने की नहीं की 19 फरवरी अभी 2021 को जो राजीव गांधी जेडी सर्किल के जो नुमाइंदे रिटेन हुए हैं वही इसमें सबके सब चोर हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये केवल लोगों को मूर्ख बना करके धंधा करने वाली गैंग को तुमने ये काम दिया। वहीं गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा है कि और तुम ध्यान रख लेना, तुमने हमारी तरफ एक पत्थर मारा ना तो मैं तुम पर 100 पत्थर मार करके बताऊंगा कि ये देख समझ क्या समझता है। अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर समझता है। अगर हम लोगों को तू रोक सकता है तो तेरा एक आदमी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम झूठे चोर बदमाश और व्यभिचारी लोग नहीं है। हम अपने जीवन का सेंस लेकर के इस राजनीतिक पार्टी में आए हैं।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।